हाँ जय हिंद। आप लोगों का जो लेबोरेटरी असिस्टेंट के ट्रेड वाले हैं, आप लोगों को अपडेट चाहिए। हालांकि लेबोरेटरी असिस्टेंट में ज़्यादा लोग नहीं हैं। क्या है कि आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट का कहाँ पे सेंटर गया है? दीपू में गया। तीन ट्रेड का आपका दीपू में सेंटर गया है। पहला लेबोरेटरी असिस्टेंट का हो गया, दूसरा AYA पैरामेडिकल का हो गया, और तीसरा जो है कि आपका क्लर्क का हो गया। क्लर्क में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। आपका यह जो लेबोरेटरी असिस्टेंट वाला हो गया और AYA हो गया। लेबोरेटरी असिस्टेंट का अभी आपका 1 तारीख से चल रहा है, अभी क्लर्क का आपका नहीं चल रहा है, यहीं पर बता दे रहा हूँ। और एक कमेंट आया था किसके नाम से, यहाँ पे कवर कर ले रहा हूं, भरत कुमार के नाम से कमेंट आया था कि क्लर्क के बारे में बताइए। तो जितने भी क्लर्क के हैं शुरू में स्टार्टिंग, वैसे मैं लास्ट में बताने वाला था, स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूं, क्लर्क ट्रेड वालों का अभी रैली नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी आपका AYA लेबोरेटरी असिस्टेंट, फिर उसके बाद AYA चलेगा। आपका यह लगभग 7 तारीख तक लेबोरेटरी असिस्टेंट का चलने वाला है, फिर उसके बाद से AYA का चलेगा, जिसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट आएंगी AYA के लिए। और कंपटीशन की बात कर रहे, अगर आप AYA के लिए, कंपटीशन है आपके लिए। अब लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपका स्टेट वाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें फॉर्म कम है, तो कई स्टेट को साथ में मिला लिया जा रहा है, कई स्टेट के लोग आ रहे हैं साथ में। जैसे कि 1 तारीख का मैं आपको बता रहा हूं, 1 तारीख को क्या हुआ था कि आपका असम से भी आए थे, नागालैंड से भी आए थे, और वेस्ट से, महाराष्ट्र से भी कैंडिडेट आए थे। अभी और भी स्टेट से कैंडिडेट्स आए थे, मुझे इतना ही पता चला, तो मैं आपको इतना ही इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट में ज़्यादा कैंडिडेट नहीं आए थे, लगभग आपके मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 200 कैंडिडेट आए थे। अब एक पता कैसे चलता है, जैसे मान लीजिए मैं लाइन में सबसे आगे लगा हूँ, तो मुझे पीछे कितनी लाइन है, कितने लोग हैं, वो थोड़ा नॉर्मली काउंट कर लूँगा। नहीं तो फिर अंदर जब ग्रुप बनता है रनिंग के लिए, तो जैसे 35 लोगों का बन गया एक लाइन में, मान लीजिए 40 लोगों को बैठा दिए, 10-10-10 का फाइल करके रैंक और फाइल, आप अगर जानते होंगे तो फौज में चलता है रैंक और फाइल के हिसाब से बैठाया जाता है। तो उसमें मान लीजिए भाई बिठा दिया गया 10-10-10-10 लोगों को, फिर उनको उठा के लेके जाया जाता है थोड़ा और दूर। उस जब एंट्री होता है, जहाँ पे बैठे रहते हैं, ग्रुप बनता है स्टार्टिंग का पहला ग्रुप कि इतने लोग हो गए, तो फिर उसके बाद उनको उठा के स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा पहले रखा जाता है, फिर वहाँ से उठा के उनको रनिंग के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाया जाता है। तो इस तरीके का उसमें का प्रोसीजर है। तो उसमें जब लेके जा रहे हैं ना 40-40 लोग, तो उसी के हिसाब से पता चल जाएगा, अच्छा मेरा दूसरा ग्रुप है, 40 लोग आके बैठे, 40 लोग हम हैं, 40 लोग यहाँ हैं। तो लगभग 200 लोगों का रनिंग हुआ था, मान लीजिए आप 170-200 लोगों का अप्रॉक्स में डेटा है। तो इसमें अब इतने इस रनिंग हुआ तो कितने लोग क्वालिफाई किए, आपको बता दूँ। दीपू का ग्राउंड इतना आसान ग्राउंड नहीं है, दीपू हाफ लॉन्ग दीमापुर में उतना नहीं, लेकिन तब भी है, शिलोंग में भी है। तो आपका दीपू का ग्राउंड तो आपको मैं कैसे बताऊं, जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में आपका सही जाता है, सीधा जाता है, फिर एकदम डाउन जाता है, एकदम डाउन जाता है। बहुत आनंद मिलेगा, स्टार्टिंग आप किए रहोगे इतना आनंद मिलेगा, तेजी से नीचे जाओगे, फिर उसके बाद तुरंत ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, फिर जाता है। तो ऐसे ऐसे रहता है, इस तरीके से जाए है रहता है 5 किलोमीटर का रनिंग, जिसमें से कितने कैंडिडेट्स, और लास्ट में जब आप एंड करोगे तो उस समय ऐसी चढ़ाई रहेगी, एक तो आपका शरीर थका हुआ रहेगा, उसके बाद तो ऐसी चढ़ाई रहती है कि फिर सभी कैंडिडेट्स बोलेंगे कि चढ़ते और लास्ट में इतना चढ़ाई, ठीक है। तो आपके कितने कैंडिडेट्स, 200 में से आपके कैंडिडेट्स मान लीजिए 90 से 100 लोग क्वालिफाई किए, आधे लोग बाहर हो गए। अब आप इससे घबराइएगा नहीं कि आधे लोग बाहर हो जा रहे हैं, कुछ लोगों का रनिंग नहीं रहता है, उसी तरह से चले जाते हैं हाइट भी। फिर उसके बाद क्या हुआ, रनिंग क्वालिफाई करने के बाद आपको लेके जाया जाता है ग्रुप ग्रुप में, डॉक्यूमेंट को लेकर के कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर के पास आपका फिंगरप्रिंट लगता है, फिंगरप्रिंट में आपका डॉक्यूमेंट लेकर के नाम मैच कर लेते हैं क्लास 10th का। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे भेज देते हैं, नेक्स्ट जो एक रूम इस तरीके से बना रहेगा आपको, जैसे कि यहाँ पे हो ना, तो यहाँ पे बैठे रहोगे, सामने रूम रहेगा, एक बड़ा सा हॉल टाइप का है, मतलब रूम ही है बड़ा सा है, तो उसमें 4-5 सिस्टम लगे हुए हैं। तो पहले पे जाओगे तो आपको वहां पे क्या कर लेंगे कि आपका फिंगर लगा लेंगे, चेक हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि आप जाओगे तो आपका चेस्ट होता है, चेस्ट के बाद आपका हाई वेट होता है, हाइट होता है, कुछ
याद नहीं आ रहा है, तो हाइट हो जाएगा, चेस्ट हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया। हाइट का मैं तो वहीं से आपको वहाँ पे रिजेक्शन स्लिप में लिख करके वहाँ पे जाओगे, वहीं पे बता देंगे आपका हाइट का, मैं चेस्ट पे लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको अपना टी शर्ट उशर्ट जो भी रहेगा पहनना रहेगा, निकलवा देते हैं अंदर जाने के बाद। वैसे आप पहन के आओ, रनिंग के बाद पहनोगे फिर, क्योंकि फीमेल स्टाफ वहाँ पे दो आगे बैठी रहती हैं जो कि रिजेक्शन स्लिप आपको फिर वो फाइनल करके देती हैं। तो आपको अंदर जाना है, टी शर्ट को निकलवाएंगे, फिर निकाल के मेजर कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको पहन के फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको चेस्ट का जैसे इस पे लिख देंगे चेस्ट पे ना, तो आपको वहाँ पे फोटो खिंचवाना रहेगा। फोटो इस तरीके सिस्टम के सामने आप खड़े हो जाओगे, वहाँ से फोटो खींच लेंगे। फोटो को कैप्चर होने के बाद आपको फिर टी शर्ट पहन के बाहर की तरफ जाना रहेगा। अगर आप पास हो गए, क्वालिफाई कर लिए, तो ट्रेड टेस्ट पे जाना रहेगा, वहीं पे ऑफिसर्स लोग बैठे रहते हैं। अब ट्रेड टेस्ट पे आ गए, इतना क्लियर हो गया, इतना डिटेल में कोई भैया नहीं बताएगा, गया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। और जो भी कैंडिडेट से अभी 1 सितंबर को रिव्यू मिला है उनके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बात कर ले रहा हूँ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग प्रेफरेंस दीजिएगा, बनवा लीजिए। अगर नहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो भी आई विल सजेस्ट यू कि आप जाइए, अपेंडिक्स फॉर्म होता है अपना, वो मेंटेन करेंगे डोसियर उसियर में, आप चले जाइएगा, भगाएंगे नहीं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अग्निवीर का जो हुआ था हो गया, अब उसके लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन तो आप घबराइए नहीं, जाइए। आई विल सजेस्ट यू कि जाइए, आप का चांस को मत छोड़िए, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आप रैली में जाइए। और नेक्स्ट पे आते हैं, तो कैरेक्टर ट्रेड टेस्ट पे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछे थे, तो मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूँ, कैंडिडेट्स जो आपके नर्सिंग असिस्टेंट AYA लेबोरेटरी के हैं, ये तीनों के लिए एक ही वीडियो, कोई भी वीडियो देखो, आप लोगों का पॉइंट कवर हो जाएगा, क्योंकि आपका काम ही वही है। नर्सिंग असिस्टेंट का वही काम है, AYA का भैया वो भी असिस्टेंट उसी में है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन तो उनसे भी वही पूछेंगे आप कहाँ पे, आप लेबोरेटरी का कोर्स करके आए हो क्लास 10th 12th पे जो भी है, कि आपको इतना अच्छे तरीके से पता रहेगा। ये थोड़ा सा तेज हो गया, मैं इसको थोड़ा सा धीरे कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको इतना सब कुछ समझ में आएगा टीथ का। अब वहाँ पे कैसा क्वेश्चन पूछे आपका, टीथ के बारे में पूछे, दांत और बॉडी पार्ट्स के बारे में, बॉडी के पार्ट्स को आप पढ़ लीजिएगा, और बेसिक बायोलॉजी का जो भी है उसको कवर कर लीजिएगा, क्रोमोजोम जो भी है आपका, ब्लड हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, बोन हो गया, टाइप्स ऑफ बोन हो गया, पैर में कैसा होता है, लंबा कौन सा सबसे लंबा बोन है, कौन सबसे छोटा है, कार्टिलेज क्या होता है, इन सब बेसिक चीज के बारे में, और लेबोरेटरी के असिस्टेंट का कार्य क्या होता है, उसमें प्रिकॉशन क्या रखा जाता है, इन सब का क्लियर हो गया ना। एग्जाम डेट कब का मिला है उन लोगों को, उन सभी कैंडिडेट्स को जिनका लेबोरेटरी असिस्टेंट का हो गया है 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर वालों को मिल गया है, जिनका ट्रेड टेस्ट फिलहाल लगभग सबका हो गया था, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत कम क्वालिफाई किए, कितने लगभग आई थिंक 40-40 कैंडिडेट पूरे में उस दिन क्वालिफाई किए। और आपका क्या है कि कितना क्वेश्चन पूछ रहे थे आपका, अगर कुछ कैंडिडेट से 5 क्वेश्चन पूछ रहे थे, कुछ से एक ही पूछ रहे थे, अब ये नहीं पता, कैंडिडेट्स ने बताया, और क्वालिफाई अनक्वालिफाई उनको भी नहीं समझ में आ रहा। ट्रेड टेस्ट में किसी को नहीं समझ में आता है किस बेसिस पे करते हैं, आप अपना 100% 200% दीजिएगा, ठीक है। और एग्जाम डेट उनको क्या मिला, उसमें से एक कैंडिडेट मतलब ज़्यादा कैंडिडेट छट गए, वो बता रहे थे जो क्वालिफाई किए उनसे पूछे, तो उसको डेट मिला था 6 सितंबर 2022 को डेट मिला था एग्जामिनेशन का। अब इसी तरीके से 2-3 वालों को भी मुझे लगता है यही मिलेगा 6 सितंबर ही, जब ग्रुप बन जाएगा तो एक दिन का पेपर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट अपकमिंग नेक्स्ट 6 के बाद मुझे लग रहा है 7, 8, 9, 10, 11, 12 को ऐसे AYA पैरामेडिकल का चलेगा, फिर उसके बाद क्लर्क का स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आप चैनल से जुड़े रहिए, बाकी ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, किसी को शेयर और करना है तो शेयर और कर दीजिए। और कमेंट भी आ रहा था फर्जी उर्जी के बारे में, कुछ अभी को एक कमेंट था, जो भी है जाने दीजिए, उनके बारे में कमेंट ऐसे निगेटिव कमेंट बहुत आते रहते हैं। और ठीक है, तो क्लर्क का सबका बता दिया, आपका हाइट वेट चेस्ट इतने अच्छे तरीके से मिलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद।